हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में एक पर्टिकुलर शेयर है जो कि आपको केवल BSE पे मिलेगा, NSE पे वो लिस्ट है भी नहीं। ओके, उससे रिलेटेड वीडियो है ये और कुछ न्यूज़ है जो कि हमारे ही किसी सब्सक्राइबर ने हमें बताया है। तो बताना चाहता हूँ कि शायद ये कंपनी भाग सकती है। उसके प्रोज भी देखेंगे, उसके कॉन्स भी देखेंगे, कंपनी करती क्या है, फाइनेंशियल्स भी देखेंगे। ओके, तो वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और हमें एक टीम बनानी है, हमें एक फैमिली बनानी है यूट्यूब की, जो हम एक साथ आप एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ सके, क्योंकि यूनिटी इज़ द बेस्ट पॉलिसी एज आई ऑलवेज सैड। ओके, एक दूसरे के साथ काम करेंगे मिलके तो डेफिनेटली हम आगे तक बढ़ेंगे। जैसे कि अभी जिस सब्सक्राइबर ने हमें बताया है, जिस फैमिली मेंबर ने हमें बताया है कि ये शेयर भाग सकता है, तो उसके हमें देखना चाहिए, हमें नज़रअंदाज भी नहीं करना चाहिए और हमें उसके बारे में जानना चाहिए। एज वेल एज बात करें तो कल के दिन में हमने 3 वीडियो यहाँ पर डाली थी, आप लोगों ने अच्छे देखा है ये वीडियो को, तो थैंक यू सो मच। आप लोग इसी तरीके से प्यार करते रहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, शेयर खरीदता हूँ तो गिर जाता है और जब बेचता हूँ तो ऊपर भाग जाता है। क्यों, क्या रीज़न है, तो इससे रिलेटेड यहाँ पर आप देख लीजिए। इसके अलावा आप 4 कंपनी के रिजल्ट आने, ऐसे कंपनी जो आपको अच्छे खासे रिटर्न दे सकती है, और उन चारों में से भी एक कंपनी और बेहतरीन है जो कि अच्छा परसेंट, मतलब 40% के ROCE के साथ पिछले 10 साल में रिटर्न दे रही है, तो उसकी तरफ भी नज़रें बना के रखनी है, जिसका टारगेट अभी 14% अप जा सकता है। तो यहाँ पर भी शेयर की तरफ नज़रें रखिए। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जिस शेयर से रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं, तो इसका पहले हम रिटर्न्स देख लेते हैं। वन डे के रिटर्न्स की बात करें तो देखिए 2% के रिटर्न है, वन वीक की बात करें तो भी 2% के रिटर्न है, ईयर टिल डेट की बात करें नेगेटिव है, वन ईयर में केवल 10% के रिटर्न दिए हैं। मतलब आप समझ सकते हैं मार्केट जब गिरी होगी तब से ये शेयर भागा नहीं है। और अगर बात करें 2 ईयर्स की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10% के रिटर्न, 3 ईयर्स की बात करें 5.4%, 4 ईयर की 98, 5 ईयर की 284 और 10 ईयर्स की 568% के रिटर्न। मतलब ये कंपनी ने, अगर आप लॉन्ग टर्म में इस कंपनी के साथ रहते हैं तो आप इसमें अच्छे खासे रिटर्न बना सकते। और ये जो सेक्टर है काफी टाइम से यहां पर स्ट्रगल कर रहा था, बट इसके जो कॉम्पिटिटर है, इसके जो इस सेक्टर के जो दूसरे शेयर्स है, वो काफी स्पीडली भाग रहे हैं। ओके, तो शायद इसमें एक बड़ा मूव आ सकता है। और ये अपनी इंट्रेंसिक वैल्यू से बहुत नीचे चल रहा है। इंट्रेंसिक वैल्यू ऑलरेडी आपको बता रखा है कि इंट्रेंसिक वैल्यू वो ट्रू वैल्यू होती है जो कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की होती है। अगर बात की जाए, आप मार्केट में टमाटर लेने जाते हैं या फिर कुछ भी लेने जाते हैं, अगर टमाटर की कीमत कोई 10 रुपये बेच रहा है, कोई 20 रुपये बेच रहा है, राइट, बट मार्केट में उसकी कीमत जो प्योर है 10 रुपये की है, तो अगर आप 10 रुपये पर उस वैल्यू को लेते हो तो आपने एक जो बात की जाए तो अच्छे लेवल पर उसे लिया है। ओके, इंट्रेंसिक वैल्यू के नीचे लिया है। तो ऐसी वैल्यू को, ऐसी स्टॉक को चुनना भी चाहिए। और बात करें, वॉरेन बफेट हमेशा कहते हैं ऐसे स्टॉक को हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए और ऐसी स्टॉक पर हमें दाव लगाना चाहिए, बट कुछ प्रोज एंड कॉन्स डेफिनेटली हमें जान लेने चाहिए। अगर बात करें इस शेयर की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2% के लगभग यहाँ पर जंप थी। अगर बात करें 812 रुपये का ये शेयर चल रहा है। अगर हम वन डे, जैसे कि मैंने आपको रिटर्न्स के मामले में दिखा दिया कि एक साल तक इसने कुछ खास रिटर्न नहीं दिए, सेम उसी दायरे में यहाँ पर घूम रहा है। यहाँ पर 1115 रुपये तक आया था, फिर उसके बाद नीचे। अगर 5 ईयर्स की ये बात करें तो देख सकते हैं 211 रुपये का शेयर यहाँ पर 812 रुपये का शेयर हो गया, मतलब 4 गुना यहाँ पर हो गया है। अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो 10 रुपये 8 रुपये का शेयर हुआ करता था, और अगर आप तक की बात करें तो अच्छा खासा इसने रिटर्न दिए हैं, लगभग 10,000% के रिटर्न दिए हैं। अगर हम मैक्सिमम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 13-14-15,000% के रिटर्न कंपनी देती हुई हमें नज़र आ रही है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अगर हम बात करें, ये मार्केट के क्रैश होने का टाइम है, उसके बाद यहाँ पर आप देखिए थोड़ा बहुत ही ऊपर गया, उसके बाद यहाँ पर ये नीचे गया ही नहीं है। तो वॉलेटिलिटी भी देख लीजिएगा, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है इस शेयर में। ओके, इन्वेस्ट करने से पहले यहाँ पर देख लीजिएगा, बड़े बड़े लेवल पर ये गिरा भी है और भागा है तो गिरा भी है। तो इस चीज़ को देखते हुए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप अगर किसी ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको पेशेंस रखना पड़ सकता है एक लंबे टाइम के लिए। बट अगर चार्ट पैटर्न पॉजिटिव है तो ऐसी कंपनी पर हम दाव लगा सकते हैं। पहला पॉइंट हमेशा ये रहना चाहिए कि चार्ट पैटर्न क्या है, चार्ट पैटर्न क्या ऊपर जा रहा है, हाँ ऊपर जा रहा है, तो मतलब कंपनी इज अच्छी है। अगर बात करें यहां पर और दूसरे अगर टर्म्स की भी, अगर हम यहां पर देखते हैं तो यहां पर आप देख लीजिए,
जैसे कि ये कंपनी किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये कंपनी रिलेटेड है कहीं ना कहीं मेटल्स सेक्टर से। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेटल के सारे शेयर 52 वीक हाई लगा चुके हैं। ओके, अच्छे अच्छे शेयरों ने, अगर टाटा स्टील की, JSW स्टील की बात करें, मतलब 200% 250% के रिटर्न दे चुके हैं। बट इस कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो देखिए कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर, देख लीजिए। रेवेन्यू यहाँ पर देखते हैं तो रेवेन्यू 2019 दिसंबर में 35 करोड़ रुपये का था, उसके बाद फिर घटा 30 का हुआ, फिर जून में देखिए 15 का हुआ। यहाँ पर हम समझ सकते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि कंपनी स्ट्रगल कर रही थी कोविड के बाद। यहाँ पर देखते हैं सितंबर में फिर इसने जंप मारी इस क्वार्टर से, और सितंबर के बाद दिसंबर में भी देखते हैं तो यहाँ पर रेवेन्यू में भी जंप है। बट अगर बात करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो यहाँ पर देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी सारा यहाँ पर गैप नज़र आ रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने अभी तक अपने प्रीवियस लेवल पर नहीं आई है। अगर बात करें यहाँ नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट डेफिनेटली देख लीजिएगा 2019 दिसंबर में, ओके, यहाँ पर इस क्वार्टर में 1 करोड़ का प्रॉफिट था। ओके, मार्च की बात करें 4 करोड़ रुपए का, और यहाँ पर जून की बात कर रहे हैं तो जून में इसमें रिजल्ट ही नहीं दिए, तो मतलब समझ लीजिए कि ये कंपनी आपको लॉस में ही दिखी होगी। इस वजह से यहाँ पर रिटर्न देती हुई यहाँ पर, मतलब यहाँ पर इनका डेटा है ही नहीं। अगर बात करें यहाँ पर सेप्टेम्बर में 1 करोड़ का, फिर उसके बाद फिर दोबारा देखे जाए तो 5 करोड़ के नेगेटिव, मतलब लास्ट क्वार्टर जो इसका था बड़ा नेगेटिव रिटर्न दिए है। बट जिस तरीके से मेटल के शेयर चले हैं और ये शेयर अभी तक नहीं चला है, तो शायद आगे चल के ये अच्छा खासा आपको रिटर्न दे सकता है, बट कोई गारंटी नहीं है। तो इस बात को पूरा पक्के तरीके से मत पूछिएगा। बट अगर बात की जाए जिन्होंने हमें बताया है कि उन्होंने बताया अच्छी खासी डील्स इनकी हुई है और 1 महीने के अंदर अंदर अच्छी खासी इनकी डील्स पाइपलाइन में है, तो अच्छा खासा रिटर्न ये दे सकता है। तो इन सभी पॉइंट्स को भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और बात करें कंपनी की, तो कंपनी माइक्रो कैप कंपनी है। माइक्रो कैप कंपनी का मतलब है कि 1000 करोड़ से भी कम की कंपनी है, तो अगर वॉलीटिलिटी भी बहुत ज़्यादा होगी और रिटर्न भी अच्छे खासे होंगे, जो कि इसका चार्ट पैटर्न साफ दिखाता है कि वॉलीटिलिटी तो है ही है अच्छी खासी गिरना बढ़ना, बट इसमें रिटर्न भी उतने ही अच्छे यहाँ पर दिए गए हैं। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रख के हमें ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, थोड़ा ही इन्वेस्ट करना है और उन्हें ही इन्वेस्ट करना है जो रिस्क लेने के काबिल हो, वरना इसमें इन्वेस्ट करने की आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बात करें कंपनी का नाम, तो कंपनी का नाम है मॉर्गेनाइट क्रूसिबल। अगर बात करें ये कंपनी करती क्या है, तो ये कंपनी काम करती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड एंड क्ले ग्रेफाइट क्रूसिबल्स एंड एक्सेसरीज। क्रूसिबल्स क्या होते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, क्रूसिबल्स क्या होते हैं, ये एक तरीके के पॉट होते हैं, ओके, जिसमें सब्सटेंस डाले जाते हैं, कौन से, जो हीट और हाई टेम्परेचर के होते हैं, जो मेटल्स और मेटल्स से रिलेटेड चीज़ें बनाने के और मेल्ट किए जाते हैं। तो अगर इनकी पिक्चर्स मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, अगर हम देख लेते हैं तो देखिए, ये आपने देखा भी होगा इस तरीके के प्रोडक्ट्स, ये लोहे का प्रोडक्ट है, इसमें आप मेल्टेड कुछ भी डालते हैं तो मेल्ट के लिए, मतलब इस तरीके के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं फेरस प्रोडक्ट्स। अगर बात करें यहाँ पर इनकी वेबसाइट है, इनकी वेबसाइट पर जाके आपको एक बार डेफिनेटली विजिट करना चाहिए और देखना चाहिए कि ये कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाती है। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं क्रूसिबल्स से रिलेटेड ये कंपनी यह काम करती है, एज वेल एज और भी डिफरेंट यहाँ पर प्रोडक्ट्स बनाते हुए नजर आते हैं, जो कि गोल्ड, कॉपर, ब्रॉन्ज। तो कंपनी इस फैक्टर में अगर बात की जाए तो अच्छी खासी यहाँ पर नज़र आती है। और ये कंपनी की अगर हम बात करें तो ये मार्केट में लीडर भी, आई थिंक, जैसे कि इनकी वेबसाइट में लिख रखा है, तो कंपनी में ये लीडर भी कंपनी है। तो अच्छा खासा आप यहाँ पर इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि लास्ट क्वार्टर से, मतलब 1 साल से कंपनी ने कुछ अच्छे खासे रिटर्न नहीं दिए। बट अगर बात करें यहाँ पर कुछ और चीज़ों की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट कैपिटल। तो मार्केट कैपिटल की अगर बात करें तो 455 करोड़ रुपये की मार्केट कैपिटल है। तो इसका मतलब ये माइक्रो कैप कंपनी है। माइक्रो कैप कंपनी मतलब हमें इन्वेस्ट कम करना है, हमें ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर हमारे पास 10,000 रुपये है तो हमें केवल 500 रुपये या 1,000 रुपये का ही रिस्क लेना है। 1,000 का भी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, 500 रुपये का ही हमें रिस्क लेके चलना है। तो मार्केट में हो तो रिस्क भी लेना पड़ेगा अच्छे रिवॉर्ड के लिए, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना। ROC की बात करें तो अच्छे खासा ROC है 32% का। PE रेशियो की बात करें तो 31 के PE पे शेयर मिल रहा है। कोई भी कंपनी में डेट नहीं है, डेट फ्री कंपनी है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और कोई भी शेयर जो इनके है प्रमोटर्स के, उन्होंने कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखे, कोई प्लेज नहीं है। ROE भी काफ़ी अच्छी है। बात करें करंट प्राइस की, तो करंट प्राइस है 812 रुपये के लगभग, 800 जो हमने देखा है अभी। बट अगर बात करें इंट्रेंसिक वैल्यू, तो इंट्रेंसिक वैल्यू इस कंपनी की है 1730, और यहाँ पर ये शेयर चल रहा है 812। तो बात की जाए तो ये 50% से भी कम
प्राइस पर चल रहा है, जो रियल वैल्यू इसकी होनी चाहिए इस कंपनी के शेयर की 1730 रुपये, बट आपको 8 से 12 रुपये पर मिल रहा है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस यहाँ पर क्वार्टर के रिजल्ट नहीं है। इसके पीयर्स कंपनी की बात करें तो ये सारी पीयर्स कंपनी है, यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर सेल्स की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2007 से 2017 की और 18-19-20 की यहाँ पर सेल्स दिए नहीं है, शायद कुछ नेगेटिविटी होगी या फिर जो भी होगा हमने यहाँ, बट हमने देख लिया यहाँ पर सेल्स किस तरीके से थे। सेल्स यहाँ पर देख सकते हैं 2007 से 26 करोड़ के सेल्स थे, जो कि बढ़ते बढ़ते 111, जो कि पिछले अगर बात की जाए 6-7 साल की यहाँ पर भी तो कुछ अच्छा खासा सेल्स होती हुई नज़र नहीं आई है। यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1 करोड़ का नेट प्रॉफिट 15 करोड़ के नेट प्रॉफिट में चेंज हो गया है, जो कि ठीक ठाक है, बट इतना कुछ इंप्रेसिव रिजल्ट हमें नज़र नहीं आए। ओके, और अगर रिजर्व्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 85 करोड़ के रिजर्व्स हैं। डेट फ्री कंपनी, और डेट फ्री कंपनी में पैसा लगाने का फ़ायदा यही होता है कि आपको कंपनी कोई इंटरेस्ट यहाँ पर पे नहीं करती, और कोई इंटरेस्ट यहाँ पर पे नहीं करती तो इसका मतलब कंपनी का जो भी प्रॉफिट आता है वो फिर कंपनी के पास एज अ कैश फ्लो रहता है, या फिर वो अपने डिविडेंड के रूप में लोगों को दे देती है, तो वो अच्छी बात होती है। आरओसी आप देख सकते हैं, आरओसी यहाँ पर अगर बात करें पिछले 10 साल की, तो आरओसी काफ़ी अच्छे हमें रिटर्न मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग 75%, कोई शेयर गिर भी नहीं है। एफआईज की बात करें, एफआईज ने थोड़ी सी अपनी होल्डिंग कम करी है और ना के बराबर ही है। यहाँ पर डीआईज भी नहीं है, और अगर बात करें पब्लिक की तो पब्लिक ने यहाँ पर 24% की हिस्सेदारी है, और जिनमें से यहाँ पर एचएनआईस में इनकी बात करें ईरानी साहब, तो इनके पास 1.15% की हिस्सेदारी हमें नज़र आती है। मार्च अभी तक का ये लेटेस्ट यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न है। तो ये सब चीज़ आपको देख के, सब कुछ समझ के आपको इन्वेस्ट करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर मेटल के शेयर अच्छी खासे भाग चुके हैं। यहाँ पर क्रूसिबल्स जो कि क्या कहते हैं, अगर बात करें इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू, तो इंट्रेंसिक वैल्यू 1730 पे चल रही है, और शेयर प्राइस कितना है, केवल 812 रुपये का शेयर प्राइस है। तो हर चीज़ को हमें तोल कर माप कर हमें चलना है। और जैसे कि हमारे सब्सक्राइबर ने बताया है कि ये कंपनी 1 महीने के अंदर अच्छा रिटर्न दे सकती है, तो आप इसमें अगर थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। अदरवाइज मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी कंपनी है जो आपको ज़्यादा रिस्क, मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में भी फेवरेबल है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कमिंग वीक आईटी कंपनी का है, तो आईटी कंपनी में ही आपको पैसा बनता हुआ नजर आएगा। और एफआईआई इसमें पैसा डालेंगे तो ऑब्वियसली बात है तभी एक शेयर भागेगा, क्योंकि एफआईआई या डीआईएस के पैसे डालने पर ही शेयर भागते हैं, वरना आप लोग खरीदोगे कितना खरीदोगे, हम लोग खरीदेंगे तो कितना खरीदेंगे, उससे ये शेयर में कुछ ज़्यादा मूवमेंट होने वाली है नहीं। अगर बात करें यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ट पैटर्न भी इसका कुछ खास हमें नज़र नहीं आ रहा है। अगर नीचे से सपोर्ट की बात करें 768 का सपोर्ट हमें नज़र आता हुआ दिख रहा है। अगर ऊपर की बात करें 847 पर जाता है तो फिर उसके बाद यहाँ पर एक रैली शायद बनने को दिख सकती है, बट हमें देख के और समझ के ही इसमें इन्वेस्ट करना है, क्योंकि माइक्रो कैप कंपनी है और पिछला जो परफॉर्मेंस है कुछ खास नहीं है, बट डील है इनके पास, आने वाले 1 महीने में अच्छी खासी डील्स हुई है, तो शायद ये भाग सकता है। तो इस बेस पे आप थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी अपने कोई राय नहीं है, कोई यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और खुद की स्टडी डेफिनेटली कर लीजिए। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो हम लाते रहे, बनाते रहे और आप लोगों का फ़ायदा होता रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।